आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहाँ पे क्वेश्चन है एंजाइम्स। ऑप्शन वन है कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड, ऑप्शन टू हैव ऑप्टिमम एक्टिविटी एट बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन थ्री है आर कार्बोहाइड्रेट एंड ऑप्शन फोर हैव ऑल द प्रॉपर्टीज। तो एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। जैसे कि कैटलिस्ट क्या करता है, कोई भी रिएक्शन होता है, कुछ कुछ रिएक्शन होता है जिसको जो रेट होता है ये रेट को बढ़ा देता है या फिर एक्सीलरेट करता है। सिमिलरली एंजाइम्स क्या होता है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं उस रिएक्शन के रेट जो होता है उसको एक्सीलरेट कर देता है। ये होता है एंजाइम्स का काम। एंजाइम्स और क्या होता है, एंजाइम्स में जो रहना चाहिए दैट इज एंजाइम मस्ट बी स्पेसिफिक। एंजाइम का स्पेसिफिक होना जरूरी है, यानी कि सबस्ट्रेट जो है सबस्ट्रेट का सिलेक्टिविटी, मतलब सबस्ट्रेट के ऊपर सिलेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। एक एंजाइम के लिए एक ही सबस्ट्रेट होना चाहिए और ये होते भी है। एंजाइम सिर्फ एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर एक्टिव होता है। और क्या होता है, एंजाइम्स आर जनरली प्रोटीन मॉलिक्यूल। एंजाइम्स आर जनरली प्रोटीन मॉलिक्यूल, बट कुछ कुछ एंजाइम में क्या होता है एज अ को फैक्टर या फिर हम कह सकते हैं एज अ को एंजाइम एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी रह सकता है। कुछ कुछ एंजाइम में ऐसे नॉन प्रोटीन पार्ट भी होते हैं जो प्रोटीन पार्ट के साथ मिलके एक साथ फंक्शन करता है। प्रोटीन पार्ट तो होता ही है। प्रोटीन पार्ट इज अ मस्ट वन। प्रोटीन पार्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन कुछ कुछ एंजाइम में समटाइम्स ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉट एवरी टाइम, समटाइम्स ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट को फैक्टर या फिर जो को एंजाइम, ऐसे नॉन प्रोटीन पार्ट रहते हैं जो जब दोनों मिलके एक साथ एक्टिव एंजाइम जो है वो फॉर्म करता है, एक्टिव एंजाइम जो फॉर्म करता है वो फाइनली सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्शन करता है। तो ये होता है। और क्या होता है, एंजाइम का ना एक कंडीशन चाहिए होता है, मतलब एंजाइम कुछ कुछ एंजाइम ऐसे होता है जो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पीएच में ही एक्टिव होता है। तो इनका जो एक्टिविटी होता है वो ऑप्टिमम एक्टिविटी होता है, पर्टिकुलर कुछ पीएच होता है वहाँ पे वो एक्टिवेट होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है तब भी वो जाके मतलब जो फंक्शन है वो कर सकता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे या घटा दे उससे मतलब एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसके ऊपर इफेक्ट होगा। तो एंजाइम्स के बारे में हम कह सकते हैं इसका ऑप्टिमम एक्टिविटी है। इसका ऑप्टिमम एक्टिविटी है। और हमारे जो बॉडी टेम्परेचर होता है यानी कि 37 डिग्री टेम्परेचर जो होता है ये एंजाइम के लिए परफेक्ट होता है। काम करने के लिए यह परफेक्ट होता है। और यही है एंजाइम के प्रॉपर्टी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शन वन पे क्या है, कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड। इट इज ट्रू बट नॉट ऑलवेज। सिर्फ अमीनो एसिड नहीं रहते, बिल्कुल हमने जैसे बताया जो प्रोटीन पार्ट होता है वहां पे तो अमीनो एसिड रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ एंजाइम में जो नॉन प्रोटीन पार्ट रहता है वहां पे तो अमीनो एसिड नहीं रहते। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि ऑल द एंजाइम्स मतलब सिर्फ अमीनो एसिड से ही बने हैं। So it is not true. Option 2 है have optimum activity at body temperature. It is true. हमने अभी discuss किया enzyme का एक particular pH होना जरूरी है, एक particular temperature होना जरूरी है, substrate के ऊपर तो ये selective है ही, तो we can say that it has optimum activity at body temperature which is 37 degree centigrade. Third, तो ये जो option 2 है it is right one. It is right one. ऑप्शन थ्री क्या है, ऑप्शन थ्री है आर कार्बोहाइड्रेट्स। इट इज रॉन्ग। एंजाइम्स आर नॉट कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन। एंजाइम्स जो होता है दिस आर बेसिकली प्रोटीन, प्रोटीन पार्ट इज अ मस्ट, एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन नॉट कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन फोर हैव ऑल ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। इट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, सारे प्रॉपर्टीज नहीं होते यहाँ पे, सिर्फ ऑप्शन टू इज द करेक्ट वन। और हम एक चीज जान लेते हैं, एंजाइम्स का क्या होता है, एक्टिव साइट होता है, एक्टिव साइट होता है जिसके लिए एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होता है। एंजाइम का एक ही पर्टिकुलर साइट होता है, इस पर्टिकुलर साइट पे ही इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट, इस पर्टिकुलर साइट पे ही रिएक्शन होता है। तो इसीलिए एंजाइम्स जो होते हैं ये बहुत ही एक्टिव होता है सबस्ट्रेट के ऊपर। कुछ कुछ सबस्ट्रेट ही मतलब
जो सब्सट्रेट इस एक्टिव साइट के लिए परफेक्टली फिट होगा वही सब्सट्रेट के ऊपर रिएक्शन होगा. ओके, सो दैट्स व्हाई एंजाइम्स आर सो स्पेसिफिक. और यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.